हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर केयर रूटीन। ये बेसिकली एक नॉर्मल हेयर केयर रूटीन होने वाला है। मतलब आई नो मेरे बाल कलर्ड है, बट स्टिल ये कलर्ड हेयर केयर रूटीन नहीं होने वाला। ऑलरेडी आप देख सकते हैं मेरे बालों का कलर कितना ज़्यादा फेड हो चुका है। जब मैं दोबारा कलर कराऊंगी उसके तब मैं डालूंगी कि हाँ हेयर केयर रूटीन मेरा कलर्ड हेयर केयर रूटीन कैसा होता है। ये बेसिकली अभी मैं नॉर्मल हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ। सो या ऑल्सो मैं इस वीडियो में सिर्फ प्रोडक्ट मेंशन करने वाले हूँ, बताने वाले मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ। ये कोई डेमोंस्ट्रेशन प्रोडक्ट नहीं होने वाला। लाइक मैं कैसे शैम्पू करती हूँ दिखाने वाली नहीं हूँ। मैं बस बताऊँ कि मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ, किस तरह से यूज़ करती हूँ। ये सिर्फ एक टॉकेटिव डिस्क्रिप्टिव वीडियो होने वाला है। और अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल के नेम के बगल में रखे सब्सक्राइब बटन उसे हिट कर दीजिएगा। उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे भी हिट कर दे, ताकि आगे आपको मेरे आगे से भी वीडियोज़ के आने में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल में ही डाल दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि मैं आप रेगुलर अपडेट करते रहती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ से आपको पता भी चल जाए कि हाँ आप कब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि मेरा हेयर किस तरह का है, यानी कि उसका टेक्सचर वगैरह कैसा है, स्कैल्प कैसा है। तो हेयर आपको दिख रहा होगा मेरा मिड लेंथ हेयर है। अभी मैंने पहले शॉर्ट था, मतलब शोल्डर के थोड़ा ऊपर ही था। अभी इतना ग्रोथ हुआ है, लाइक इतना बाल था मेरा। आई थिंक मैं वो पिक्चर यहीं कहीं डाल दूँगी जब मेरा बाल छोटा था, तो इतना बाल था। एंड ये मैंने दिसंबर लास्ट तक कटवाया था, लाइक आई थिंक 23 दिसंबर को मैंने कटवाया था। एंड यू कैन सी इतना हेयर ग्रोथ हुआ है मेरा एक्स्ट्रा। मेरा हेयर काफ़ी नॉर्मल टाइप का है, लाइक ऑयली नहीं है और ड्राई भी नहीं है, एक्स्ट्रा फ्रिजी भी नहीं है। मतलब पहले बहुत फ्रिजी होते थे, लाइक बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो नेक एरिया के पास जो बाल होते थे ना वो पूरे उलझ जाते थे। अब वैसे नहीं होता। नेक्स्ट कमिंग टू स्कैल्प, स्कैल्प मेरा भी नॉर्मल है, मतलब ऑयली नहीं है या फिर ड्राई नहीं है, बहुत नॉर्मल टाइप का है। लाइक मैं बिना शैम्पू के 3 दिन तक चल सकता है मेरा बाल, ज़्यादा ऑयली नहीं होता है। 3 दिन के बाद भी हेयरफॉल मुझे बहुत कम होता है। डिपेंड करता है मैं किस तरह का हेयर स्टाइल बनाया। अगर मैं पोनी बनाती हूँ ज़्यादा तो मेरे बाल टूटेंगे, क्योंकि पोनी बनाने से आपके बाल खिंच जाते हैं, तो खींचने की वजह से आपके हेयर टाइप में बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। कि मेरे बाल जो है वो केमिकली ट्रीटेड नहीं है, यानी कि मैंने कभी रिबॉन्डिंग नहीं कराया, केराटिन ट्रीटमेंट नहीं कराया है या फिर स्मूदनिंग नहीं कराया, ये सब मैंने चीज़ें नहीं कराई हैं। कलर ट्रीटेड है, आप देख सकते हैं कि कलर ट्रीटेड है। मैंने एक्चुअली बहुत बार कलर करवाया अपने बालों को, एक बार ब्लॉन्ड कराया है, फिर देन ब्रूनेट हुई हूँ, देन अगेन ब्लॉन्ड किया है, देन अगेन देन ये कलर है जो आपको दिख रहा है। तो अब आते हैं प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्शन के ऊपर। सबसे पहले आते हैं ऑयलिंग के ऊपर। मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती थी, अभी भी यूज़ करती हूँ कभी कभी। मस्टर्ड ऑयल आप लोगों को बहुत लोग नहीं लगाते होंगे, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कोकोनट ऑयल, बट कोकोनट ऑयल मेरे बालों को सूट नहीं करता है। मेरे बाल बहुत एक्सेस टूटने लगते हैं कोकोनट ऑयल लगाने से, तो इस तरह से तो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। मस्टर्ड ऑयल में मैं विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ करती हूँ। ये नॉर्मल आप दुकान पर भी जाके बोलोगे ना कि विटामिन ई का कैप्सूल लेने, तो ये देना। तो विटामिन ई का कैप्सूल को मैं क्या करती हूँ, एक कैप्सूल लेती हूँ, क्योंकि मेरे मिड लेंथ हेयर है। एक कैप्सूल लेके उसको कट करके उसके अंदर का जो ऑयल होता है वो तेल में मिला के मिक्स करती हूँ। दूसरा तेल मैं यूज़ करती हूँ, एक है ऑलिव ऑयल और दूसरा है कैस्टर ऑयल। तो कभी मैं ये यूज़ करती हूँ, कभी मैं ये यूज़ करती हूँ, तो कभी कैस्टर ऑयल भी यूज़ करती हूँ। और आपको स्मेल से प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कैस्टर ऑयल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, आप परेशान हो जाइएगा। आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं या फिर आपके स्कैल्प पे जो भी सूट करता है आप वो ऑयल यूज़ करिए, क्योंकि मेरे सर पे कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, इसलिए मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करती हूँ। मस्टर्ड ऑयल से मेरे बाल कम टूटते हैं, मतलब ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल से भी कंपेरेटिवली कम टूटते हैं। मैं ऑयलिंग कैसे करती हूँ, जिस दिन मुझे शैम्पू करना होता है उसके एक रात पहले मैं ऑयलिंग करके अपने बालों में वो जो शावर कैप आता है वो शावर कैप लगा के रात भर सो जाती हूँ। नेक्स्ट डे फिर मैं उठ के शैम्पू करती हूँ। शैम्पू के लिए मैं यूज़ करती हूँ, मैंने बताया कि मैं शैम्पू जल्दी चेंज नहीं करती हूँ। ये मेरा है बायोटिक का बायोकेल प्रोटीन शैम्पू फॉर फॉलिंग हेयर। ये बड़ा वाला है इसका, आई थिंक ये मेरा सेकेंड या थर्ड डब्बा है। एक छोटा वाला मैंने सबसे पहले छोटा वाला लिया था, एंड देन मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो गया था, इसलिए आई थिंक ये मेरा थर्ड बॉटल है शैम्पू का। तो उसमें भी आप देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है। एंड ये है 400 ml का ये बॉटल आता है। प्राइस लिंक सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर मुझे मिलता है तो। शैम्पू को मैं कभी भी डायरेक्टली अपने सर पर नहीं लगाती हूँ। मैं नॉर्मली वो जो मग होता है ना उसमें थोड़ा शैम्पू लेके उसको थोड़ा पानी में डाल के उसको वैसे लगाती हूँ, क्योंकि स्कैल्प आप पे शैम्पू जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होती है। अगर आप डायरेक्टली स्कैल्प लगाओ तो आपकी स्कैल्प डैमेज हो सकती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है। इसे शैम्पू कभी भी डायरेक्टली अपने बालों पे नहीं लगाना चाहिए, इस हमेशा उसको डाइल्यूट करके लगाना चाहिए।
नेक्स्ट आया था कंडीशनर के लिए, तो कंडीशनर के लिए मैं यूज़ करती हूँ लॉरियल पैरिस का कलर प्रोटेक्ट। ये एक्चुअली जब मेरे कलर हेयर थे तभी मैंने मंगाया था, बट ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर कलर प्रोटेक्ट नहीं लेना है तो आप दूसरा ट्रेसेमे का केराटिन स्मूथ ले सकते हो। उसका शैम्पू मुझे पसंद नहीं आया था, बट उसका कंडीशनर काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा स्मेल करता है, एंड दूसरा आपके हेयर को भी बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की बना देता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसको कंडीशनर को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, कंडीशनर को मैं जनरली अपने बालों में लगाने के बाद अपने लेंथ वाइज मैं टिप से शुरू करती हूँ जनरली, क्योंकि हमारा टिप जो होता है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, तो टिप से अपने ऊपर की तरफ जाती हूँ, बालों के ऊपर की तरफ जाती हूँ, एंड देन उसको लगाने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट छोड़ देती हूँ, एंड देन उसको वॉश करती हूँ ताकि कंडीशनर जो अपना काम करे। कंडीशनर को भी डायरेक्टली कभी भी तुरंत लगा के वॉश नहीं करना चाहिए, और कंडीशनर को स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि स्कैल्प के लिए बना नहीं होता है। नेक्स्ट, कंडीशनर करने के बाद मैं किस तरह से ड्राई करती हूँ, मेरे पास एक हेयर ड्रायर है नोवा का, बट वो इमरजेंसी के लिए यूज़ किया रखा है मैंने, अगर कुछ पार्टी फंक्शन में आना है तुरंत मैंने बाल हेयर वॉश किए हैं तो इसलिए मैंने रखा है, बट जनरली उसको मैंने शायद आई थिंक 2 या 3 बार ही यूज़ किया, एंड बहुत पहले लिया था, अभी तक वो वैसे ही रखा हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। मैं नॉर्मली अपने बालों को टॉवल ड्राई करती हूँ या तो एयर ड्राई करने के लिए छोड़ती हूँ, टॉवल ड्राई नहीं कि एक्सेस जो वाटर होता है उसको निकाल लेती हूँ टॉवल से, उसको रब करके नहीं निकालती हूँ, मैं उसको सिर्फ बांध के छोड़ देती हूँ, जितना एक्सेस वाटर है वो मेरे टॉवल में अब्जॉर्ब हो जाता है, एंड देन उसको ऐसे छोड़ती हूँ एयर ड्राई होने के लिए ताकि वो कम डैमेज हो। मेरे बाल ऑलरेडी डैमेज है क्योंकि मैंने उसमें कलर कराया है, तो और कम डैमेज नीचे आती हूँ, कम से कम मेरे बालों को डैमेज हो और ज़्यादा नरिशमेंट मिले, तो इसलिए मैं ब्लो ड्राई ना करके डायरेक्ट एयर ड्राई करती हूँ ताकि मेरे बाल अच्छे से डैमेज फ्री रहे। नेक्स्ट आते हैं सीरम्स के लिए, तो मेरे पास 3 सीरम है आपके लिए। तो सबसे पहला आता है स्कैल्प के लिए सीरम। स्कैल्प के लिए सीरम नॉर्मली आपके लेंथ वाइज हेयर के लिए होता है, बट स्कैल्प के लिए एक आता है जो कि आपके अगर हेयर फॉल है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आपके यू नो बार एरिया, जैसे कि आपका नॉर्मली टेम्पल एरिया जो होता है वहाँ पे खाली जगह होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये है बायोटिक का बायो माउंटेन एबनी वाइट लाइजिंग सीरम फॉर फॉलिंग हेयर। अगर आपके बेबी हेयर्स भी है तो बहुत अच्छा है उसके लिए, क्योंकि आपके बेबी हेयर्स को भी ग्रोथ करने में हेल्प करता है ये। एंड अगर आपको दिख रहा होगा तो पता नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ कितना कम बचा हुआ है। ये मेरा सेकंड बॉटल ये काफ़ी अच्छा था, बीच में मैंने इसे यूज़ करना पता नहीं क्यों छोड़ दिया था, देन अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि पड़ा हुआ है, मैं एक दिन सफाई करी तो मुझे मिला था, एंड ये काफ़ी अच्छा है। ये मेरा सेकंड बॉटल है, ये ख़त्म हो जाए तो आई गेस मैं फिर से लूँगी। आपके बाल हल्के हल्के गीले होते हैं तो आप उसमें हाथ में लेके इसको हल्का हल्का अपने स्कैल्प में, जैसे आप नॉर्मल ऑयलिंग करते हो ना वैसे कर दो, बट इसको लेंथ वाइज मत लगाइएगा, आपके लिए सिर्फ स्कैल्प में इसको लगाना है। नेक्स्ट आते हैं लेंथ वाइज सीरम के लिए, तो सबसे पहला मेरे पास है पैंटीन प्रो वी का ऑयल रिप्लेसमेंट। ये एक्चुअली बहुत अफोर्डेबल भी है, ये मेरा आई थिंक थर्ड एक ट्रैवल साइज मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, और ये मेरा बिगर साइज में ये सेकंड ट्यूब है। ये काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये आपके लेंथ वाइज में लगाया जाता है, और ये जब आपके बाल थोड़े गीले और डैम्प हो यानी कि, तो आप उसी में अपने लेंथ वाइज हेयर पे लगा लो। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम टिप से आपको ऊपर की तरफ जाना है ताकि आपका टिप जो है सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइज हो सके, और ये आपके बालों को स्मूथ करता है, बहुत अच्छा काम करता है, स्मूथ एंड फ्रिज फ्री करता है। इसको लगाने के बाद अपने बालों को इस तरह से करोगे ना तो आपके बाल उलझेंगे नहीं, आपको दिख सकता है तो आपके बाल उलझेंगे नहीं इससे। नेक्स्ट, ये मैंने खरीदा था अपने कलर्ड हेयर के लिए, ये है लिवॉन का कलर प्रोटेक्ट सीरम। आप देख सकते हैं कितना कम बचा हुआ है इसके पास, मेरे पास ऑलरेडी एक बैकअप रखा हुआ है, और ये इसका भी स्मेल काफ़ी अच्छा है, तो जब मैं जनरली बाल अगर स्ट्रेट करती हूँ ना तो तब मैं ये लगा लेती हूँ, और कलर जब हेयर था तब मैं यूज़ करती थी, अभी ये मैं कुछ दिन से यूज़ नहीं कर रही हूँ, अभी जब भी मैं स्ट्रेट करती हूँ बालों को तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट आते हैं कि हेयर मास्क पे, तो हेयर मास्क मैं 2 तरह का यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, उसका भी वीडियो तुरंत आने वाला है मेरे चैनल के ऊपर। एंड नेक्स्ट कमिंग टू ऐसे मैं यूज़ कौन सा मास्क करती हूँ, तो ये है मामा अर्थ का आगन हेयर मास्क विद आगन एवोकाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन। ये मास्क भी काफ़ी अच्छा है, ये पूरा फुल टब आया था, ये थोड़ा आपको महंगा लग सकता है बट ये फुल टब है, मतलब उसका क्वांटिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो इसमें कितना सा बचा है, एंड इसे मेरे लेंथ वाइज हेयर के हिसाब से मैंने आई थिंक 4 से 5 टाइम्स यूज़ कर चुकी हूँ इसको, एंड इसको आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, लेंथ वाइज हेयर पे भी लगा सकते हैं, एंड ये काफ़ी अच्छा है। इसका मैंने एक स्पा वीडियो भी किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे डाल दूँगी, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। नेक्स्ट आते हैं बालों को स्टाइलिंग के लिए, तो मैं बता चुकी हूँ अभी सिर्फ 2 ही चीज़ें, एक हेयर ड्रायर है और एक हेयर स्ट्रेटनर है। मेरे पास हेयर ड्रायर मैं बहुत जनरली यूज़ करती हूँ, तो नोवा का वो हेयर ड्रायर मैंने आई थिंक 275 रुपीज़ में खाया था, क्योंकि मैं हेयर ड्रायर का उतना जरूरत नहीं है, तो वाला हेयर ड्रायर मैंने रखा हुआ है। और दूसरा कमिंग टू हेयर स्ट्रेटनर, क्योंकि हेयर कर्ल मैं जल्दी करती नहीं,
और ऊपर से कर्ल करना भी हो तो हेयर स्ट्रेटनर से आजकल हो ही जाता है, तो दोबारा मुझे कर्लर का ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ा। तो इसलिए मेरे पास सिर्फ हेयर स्ट्रेटनर है। हेयर स्ट्रेटनर के लिए मेरे पास है फिलिप्स का सेल्फी स्ट्रेटनर, कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं, मतलब ये डिफॉल्ट टेम्परेचर पर जाके आपके हेयर को ज़्यादा डैमेज ना करेगा। एंड ये प्लेट वाले स्ट्रेटनर है, यू कैन सी ये प्लेट्स वाले स्ट्रेटनर है। यहाँ पे अंदर की ओर आपको दिख रहा हो, अंदर की ओर ये एक स्विच है जो कि ऑन ऑफ होता है, और यहाँ बगल में एक लाइट है। तो ये वाले स्ट्रेटनर से मैं काम हो जाता है, ये आई थिंक मैं पिछले 2 या 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सारी चीज़ें जितने मैंने मेंशन किए उन सबके लिंक एंड प्राइसेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ आजकल अपडेट्स देते रहती हूँ। और आपको या फिर अगर आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन अगर मैं नहीं मिलते तो मैं वहाँ पर भी अपडेट देती हूँ जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, हैंडी मैं भी डाल दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। या अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं चैनल के लिए क्लिक करके सब्सक्राइब बटन से हिट कर दीजिएगा, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन आएगी उससे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।